पितृपक्ष का प्रदोष व्रत अपने आप में चमत्कार है, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, विवाह संतान की परेशानी है, तो इस पितृपक्ष के प्रदोष व्रत का खूब लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। 29 सितंबर 2024 4:47 से प्रदोष का समय शुरू हो जाएगा, अर्थात कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर शाम 7:10 के आसपास तक रहेगी। तो आपके पास मौका है तो आप 2 दिन उपाय कर सकते हैं, 29 को भी उपाय कर सकते हैं, 30 को भी उपाय कर सकते हैं। 29 तारीख को आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप प्रदोष काल में उपाय कर सकें, क्योंकि प्रदोष आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि भी आरंभ हो जाएगी, तो शाम को 4 बजे से लेकर आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप 2 दिन में से जो है जब भी समय मिले, चाहे तो 30 तारीख को समय मिले जिस दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा उस दिन कर सकते हैं, 29 तारीख की शाम को 4 बजे से प्रदोष का आरंभ अर्थात त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी, तो उस समय भी आप कार्य कर सकते हैं। तो 2 दिन का मौका आपके पास है पितृपक्ष की प्रदोष व्रत का लाभ उठाएं। 29 और 30 तारीख 2 ऐसी तिथियां हैं जो कि प्रदोष व्रत के स्वरूप में जानी जाएगी। कई क्षेत्रों में 29 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में 30 तारीख को, परंतु मेरे पास जो उपलब्ध पंचांग है उसमें 30 तारीख लिखित रूप से दिया गया है, तो वही मैंने आपको बता दिया। 30 को उदया तिथि के हिसाब से उपवास किया जाएगा। आप जो है जो उपाय हैं वह दोनों तिथियां कर सकते हैं, दोनों तिथियों में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में यह मान्य है। उपाय कैसे करें ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे यह तिथि चमत्कार है, गुरुजी ने कई नए पुराने उपाय बताए हैं जो आपका भाग्य बदल सकते हैं। इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, किसी कारण से अगर आप उपवास नहीं कर पाते हैं, क्षमता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। उपाय कैसे करें सुनिए। जैसे कि काले तिल जौ का संबंध राहु शनि से और पितरों से संबंध रखता है, दूध का संबंध पितरों से रखता है, मैं हमेशा ही अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर आपको यह बताती हूँ, तो गुरुजी ने इन दिनों उनकी कथा चल रही है उसमें बड़ा नया सुंदर उपाय बताया है। अब इसमें ध्यान रखनी होगी यह बात है कि तांबे के लोटे में कभी भी दूध नहीं मिलाया जाता, यह जहर के समान हो जाता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। कटोरी में आपको अलग से दूध ले जाना है, जौ काली तिल और जो गुरुजी ने कह रखा है हमें कुशा जो कि अपने आप में पितरों से संबंध रखती है, कच्चा दूध कटोरी में ले जाएं, तांबे के लोटे में दूध न डालें। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ अपनी बात, आप एक लोटे में तो जल भर ले जाएं और उसमें ही आप विशेष तौर पर काले तिल जौ और कुशा डाल दीजिए और कच्चा दूध एक कटोरी में ले जाएं। गुरुजी ने भी यह बात कही, आपने सुना होगा। अब आप सभी को 3 वृक्ष जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य शास्त्रों में कहे गए हैं उन वृक्षों के नीचे चले जाना है, चाहे तो 3ों वृक्षों के नीचे, परंतु हमारे शहरों में हम रहने लगे हैं तो 3 वृक्ष के नीचे जाना संभव नहीं हो पाता है और प्राप्त भी नहीं हो पाते हैं, तो 3 वृक्षों में से किसी 1 वृक्ष के नीचे जो कि अपने आप में देवतुल्य और पितृतुल्य हैं, वह वृक्ष है पीपल, बड़ और बेलपत्र। यह 3 वृक्ष ऐसे हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है, तो 3 वृक्षों में से किसी भी 1 वृक्ष के नीचे पितृ दोष दूर हो, नौकरी लग जाए और व्यापार चलने लगे, रोग कर्ज से मुक्ति मिल जाए, परिवार में से दरिद्रता दूर हो, मेरा ट्रांसफर हो जाए, ऐसी सभी प्रार्थनाओं को लेकर आपको सबसे पहले उस वृक्ष के नीचे आपको कच्चा दूध समर्पित करना है, ठीक है। कच्चा दूध आप समर्पित करें जो आप गिलास में या कटोरी में लेकर गए हैं, तो सबसे पहले तो कच्चा दूध कौन सा चुनना है, गौ माता का। आप सभी इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा नहीं, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चे दूध की महत्वता है, तो कच्चा दूध आप सभी समर्पित करें। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। पितरों का ध्यान करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अब आपने सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ा देना है। अब जल के लोटे में जो कुशा और आपने काली तिल और जौ डाल रखे हैं ना, उन्हें अपनी मनोकामना कहकर रोग कर्ज जो पीड़ा तकलीफ है, मेरे परिवार में उन्नति हो, समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मंत्र जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको इन 3 वृक्षों में से किसी 1 वृक्ष के नीचे बड़ पीपल और बेलपत्र 3 वृक्षों के नीचे समर्पित कर देना है। अब जो घी का दीपक लेकर गए हैं जिसमें आप सभी चाहे तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो गोल बत्ती, इच्छा आपकी है,
आपको यहाँ पर बैठकर दीपक जरूर से लगाना है। देखिए, खाली जल चढ़ाने से तो मन की कामना सिद्ध होगी नहीं। गुरुजी ने पिछली अपनी कथाओं में दीपक लगाने के लिए भी कह रखा है, तो सही नियम विधि के तहत ही उपाय करें तो सुंदर फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो दीपक भी लगाइएगा और दूध समर्पित कीजिएगा, जैसे मैंने विधि से बताया उसी विधि से। छोटी छोटी गलती कर देंगे तो यह कोई फायदा नहीं देगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए ही कार्य कीजिएगा। तो कितना सुंदर उपाय है जिसमें कोई पैसा समय तो लगना ही नहीं है, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। तो करके देखिएगा, कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो कमेंट्स में लिख दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। दूसरा उपाय जो कि गुरु जी की पिछली कथा में है और यह दूध से संबंध रखता है। गुरु जी ने कहा है तीन तिथियां ऐसी हैं, जैसे शिवरात्रि आने ही वाली है, सोमवार को शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष व्रत। यह तीन तिथियां ऐसी हैं जिन तिथियों में अगर अपनी मनोकामना कहते हुए घर के मंदिर में शिवलिंग हो, महादेव के मंदिर में शिवलिंग हो, आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर, या घर पर शिवलिंग है वहाँ पर, तीन तिथियाँ जो प्रदोष की हैं, मासिक शिवरात्रि की है, सोमवार अष्टमी की है। आपके पास सुंदर मौका है, सोमवार भी आने वाला है, शिवरात्रि भी है, प्रदोष व्रत भी है, तो आप कोशिश करें चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत बनाने वाला, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति करने वाला कच्चा दूध आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। इससे वंश में भी वृद्धि होगी और संतान उत्पत्ति की सभी समस्याओं का भी इससे निदान होना शुरू हो जाएगा। तो यह कार्य भी आपको कर लेना है। दो उपाय मैंने बताए, तीसरा उपाय पितृपक्ष है, सबसे श्रेष्ठ तिथि है, सुंदर दिन है। इस दिन को अपने स्वरूप में आप भाग्य की रेखाओं को चमकाने के लिए करें। आप सभी को इस दिन विशेष तौर पर जितना संभव हो पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण करने का प्रयत्न करना है। शुरू वाला जो उपाय है वह बहुत चमत्कारी है, यह आप जान लीजिए। बहुत उस उपाय को करने से आपको लाभ मिलेगा। जो अंतिम उपाय बताने जा रही हूँ यह पितृपक्ष की प्रदोष के दिन आप कीजिएगा। गुरु जी कहते हैं अपने जल के लोटे में आप हरा मूंग, बेलपत्र, शमी का पत्ता और बेलपत्र के साथ साथ गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, बेलपत्र और आप सभी हरा मूंग, यह चारों चीज़ें जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाया करें जब भी प्रदोष का व्रत आए। तो सुंदर प्रदोष की तिथि है, आपको कोशिश करनी है कि यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डालें और शिवलिंग पर सुंदर भाव सच्चे मन से समर्पित करें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप इस दिन अपने घर के दरवाजे पर दोनों तरफ एक एक चुटकी आटा भी अपने पितरों को स्मरण करते हुए शाम के समय समर्पित करें ताकि भूखे ना रहें पितर। साथ ही एक ही जल के लोटे से आप 27 बार शिवलिंग पर एक एक करके नाम मंत्र का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल जरूर से चढ़ाएं। जल की महत्वता अद्भुत है। घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी आटा डालें, अन्नदान हो जाएगा, जल दान जो है अपने आप में शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। 27 बार जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक ही जल के लोटे से, तो यह जल दान भी हो जाएगा। दीप दान तो आप पीपल वृक्ष की जड़ में, बेलपत्र, आंवला, शमी, यह पितृतुल्य देवतुल्य वृक्ष हैं, तो इनके नीचे आप करेंगे ही, निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होने लगेंगी।